जानत दूर तू जानत दूर तुम जानत दूर तुम जानत दूर तुम प्रभु ने प्रभु ने उतते उत पे आवे लोभी प्रभु ने जानत दूर तुम जानत दूर तुम प्रभु ने जतन करे जतन करे मानुख देखावे जतन करे मानुख देखावे ओ अंतर जमियान पाप करे कर मुकर पावे पाप करे कर मुकर पावे भेख करे निर्वाण
प्रभु ने जानित दूर तुम्हें, जानित दूर तुम्हें, जब लगे टूटे नहीं मन भरमा, जब लगे टूटे नहीं मन भरमा, तब लग मुक्त न हो, तब लग मुक्त न हो, नानक दयाल स्वामी, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सो, संत भगत जन सो, प्रभु ने जानित दूर तुम्हें, जानित दूर तुम्हें प्रभु ने जानित दूर तुम्हें, जानित दूर तुम्हें प्रभु ने आवे लोपी फेर, जानत दूर तुम्हें, जतन करे
मनुख देखावे। जतन करे मनुख देखावे, अंतर जमी जाने प्रभु ने अंतर जमी जाने, पाप करे कर्म कर पावे, पेख करे निर्वाण जान दूर तुम्हें, नेड़ा है दूर ना जानो, नेड़ा है दूर ना जानो, जे जे पे खोते हजूर नेड़ा है, जे जे जान तो दूर तुम्हें दूर कतो न जाए, रम रहे सर्वत्र में भबीरी के पात पार तितली पंबीरी इंद खंब आर पार दिशन वाले बड़े ब्रीक हुंदे ने, ते गुरु बाणी विच एग्जाम्पल दिंदे ने, कहंदे ने तेरे ते मेरे मालिक रब दे दरम्यान विच इस पंबीरी दे पत्ते जिन्ना भी वखवा नहीं। हाँ ये गल वखरी है, तू वेख नहीं सकदा। पंबीरी के पाओ तू मार दो बिन पेखे दूरा दूर न जानो, नेड़ा है जे जे देखो ते हजूर दूर कतो न जाए, रम रहा सर्वत्र में मन सदा दयाई, इत उत नहीं बिछरे सो संगी गनिया, बिन सजाए जो निमुख में सो अलप सुख भनी है, प्रतपाले अभियाओ दे तेरे मुंह विच लुकमा पाउंदा है ग्राई दिंदा है, पर ओहो ही दिंदा है जेड़ा कोल रहिंदा होवे। बाणी भी चक गया और इंदा दूर जानन दा जेड़ा दुर्भाग है वह भी समझा दिता है। रात
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਪਰ ਰੇ, ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਾਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਤ ਮਸਲਸ ਪਰ ਪਾਪ ਤੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਕਾਫਲਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਬੁਰਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਸਾਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਸਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਪਾਪ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਪ ਪਛਾਣੇ ਆਪ ਉਹ ਭਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮਥਨ ਮਦਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਣਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰੋਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ,
है, गुरु आवाजा भी दे रहा होवे, समझा भी रहा होवे कि भलिया सुख पाप विच नहीं, सुख तो पुन विच है, पर फिर पाप ते पुन नू पछाण नहीं सकता तू। मैं रात भी लफज सन कि अंधेरे ते चानन दो चीज़ा इकट्ठियां क्यों रखियां, ताकि मनुख नू पता एहसास हो जाए कि अंधेरे ते चानन विच फर्क की है, पछाण सके। नहीं तो मैं रात अर्ज की थी, नहीं तो रात की लोड़ ही नहीं सी, लोगों ने सौ के बितानी, चानन मनुख नू पल पल चाहिए, फिर चंद नहीं बना दिंदा, रात क्यों बनाया उस जिन्हें दिन करके कीती रात, उन्हें दिन भी बनाया रात भी क्यों बनाया, ताकि पहचान हो सके। इस तरह पाप दे पुण दे नाल पाप भी बना दिता, ताकि पहचान हो, तेनू पछाणन वास्ते। मैं तो कई बार अर्ज करना, संसार एक एग्जामिनेशन हाल है, इतने तू एग्जाम देना है, तो एग्जाम की होंगे पछाण। कहने लगे जिमें उस्ताद को जाके सच झूठ की पछाण करी दी है ना, इसे तरह बाणी अंदर कहत सती पैरी सत भला बइए पढ़िया पास, सात संगत का अर्थ की, चंगी संगत विच बैठन दा मनुख नू लोचा क्यों हुंदी। सतगुरु ने बाणी विच आखी, कहन लगे सती पैरी सत भला बइए पढ़िया पास, ते उत्थे करिए की, उत्थे पाप पुण विचारिए, गुरबाणी है, उत्थे पाप पुण विचारिए। ते एक ख्याल करियो, ये पाप पुण की विचार भी गुरु को मिलती है, सच का पता इतने लगता है, नहीं तो वेदों शास्त्रों को भी नहीं मिली, जेडे वेद शास्त्र पढ़ते रहे जिन्होंने लिखे वह भी पाप करते नजर आते हैं, पढ़ के देख लो। गुरु अमर दास पातशाह जी ने एवं नहीं किया, सिमरत शास्त्र पुण पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी, पाप विचार दे रहे पर तत् नहीं जान सके, सार असलियत ते नहीं पहुंचे। सिमरत शास्त्र पुण पाप विचार दे तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी गुरु बाजो, तत्ते सार न जानी। इसलिए भलिया उथे पाप पुण विचारीए, ताकि कूड़ दी पाप दी रास घट जाए, तेरे पल्ले सिर्फ पाप ही न रह जाने। मैं एक बार गुरबाणी ज्यों ज्यों वाची, एक बार शब्द आया सी कि मालिक ने किया कि काया दी गड्डी ते बहुत सारा समान स्वासां दा भर के दे दिता, ते फिर कीता कि पाप पुन दोए बैल बिसाहे, उन्दे अगे पाप ते पुन दो बैल जोड़ दिते। पुराने जमाने अंदर गड्डियां भी गड्डियां दे अगे बैल जोड़े जाते सन, जीवन की गड्डी अगे भी पाप ते पुन दो बैल जोड़ दिते, ते आख्या भी हुण तेरी मर्जी है, तू पाप दे बैल नाल गड्डी चलाने के पुण दे बैल नाल चलाने, ते मनुख दोनों ही बैल चलाई गया, पराया हक भी खाए गया, अखंड पाठ भी कराए गया, दोनों ही बैल जोड़ी गए। पर इसे शब्द की अखीरली तो अंदर बड़ा खूबसूरत फैसला किया गुरु बाबा कबीर जी, कहन लगे जदों राम दी घाटी आई ना, घाटी चढ़त बैल एक थाका, जदों घाटी राम के
सामने आई ना उदों पाप दे बैल ने जवाब दे दिता मैं नहीं चढ़ सकता। ते जे उत्थे जवाब ही मिलना सी पहले ही छड़ दिंदा, पर छड़दा ते तां जे पछाण हुंदी तां आ मुश्किल है। रात दा सब्जेक्ट मैं डाल दिया, छड़दा तां जे पछाण हुंदी ते उत्थे पाप पुन विचारीए, एहो विचार करनी पाप की पुन। रात ए मसला सी। हुण मैं अज अगे इस तो वधना चाहना कि जेड़े समझदे वी ने कि आ झूठ है आ सच है, उन्हें झूठ छड़ दिता। जेडे समझते भी ने पछाणते भी ने आ पाप है आ पुण है, हालांकि जे ना समझ लो वक्री गल है, पाप पुण की सार न जाने भूला फिरे अजाई। पर जिहड़े पछाणदे ने समझ, दिन रात गल्लां भी करदे ने सत्संगत विच गुरद्वारियां विच मंदरां विच स्टेजां ते बैठ के इहो ही गल्लां हुंदियां ने कि पाप छड़ दित्ता है। सुणदे भी बड़े लोग ने, पाप घट गया है। मैं ते हैरान हुंना गुरद्वारे स्थानां ते बैठ के गल्लां करन तो बाद असीं बाद विच उत्थों ही कृपाना चुक लैने एक दूजे ते वार करने, उदों इह नहीं समझदे भी इह पाप है। पर अज दे सबजैक्ट नूं जदों असीं नाल जोड़ोंगे ना फिर इह भुलेखा भी दूर हो जाएगा। कहन लगे इह ठीक है कि पाप ते पुण दी पछाण जरूरी है। रात लफज इत्थे खड़े सन कि चेतना खत्म हुंदी है, अचेत लफज आया नर अचेत पाप ते डर रे। जदों तू अचेत होना है, मदहोश होना है, बेसुरत होना है, नशई होना है, भावें जोबन धन प्रभता के मद में हो जाए, जदों बेसुरत होना है उदों ही पाप करना है। क्रोध भी बेसुरत करता है, लोभ भी बेसुरत करता है, काम भी बेसुरत करता है। रात इत्थों तक सी, पर हुण अगे चलना चाहना। कहन लगे एक एदो भी खतरनाक मोड़ है जिन्हां कारण तू पाप नहीं छड़ सकदा पिया, ओह है कि हर कार कम करन वाला, हर पाप करन वाला एक गल मन अंदर रखता है कि मेरे पाप नू कोई वेखे ना, मैनू पापी, मैं पाप करा पर पापी ना खवावा। ये बड़ा फर्क है, संसार अंदर जिन्ना पाप हो रहा है। मैं हुणे एक लफज कह सन बहुत समय पहले भी दृष्टांत दिता सी भी केडी अजीब गल है भी जेड़ा बजाज दुकान ते बैठा है, उपर एसी चल रहा है, गद्दी लगा के बैठा है, किरत कर रहा है, उन्हें अपने घर के सामने बोर्ड लाया होया है, नेम प्लेट लगाई हुई है बजाज का घर है, जिहड़ा सुनार सोने विच खेड रहा है, सुनार का कारोबार कर रहा है, उन्हें भी अपने दरवाजे ते नेम प्लेट लगाई है सुनार का घर है। मैं आख्या कि एडी अजीब गल है, चोर की किरत कोई दूजे नाल सौखी है? वो तो बहुत औखी है, वो ऐसी दुकान च बैठा है, स्टोर से बैठा है, ये रात के अंधेरे में भटक रहा है, थां थां ठेडे खा रहा है, कदम कदम ते रिस्क है, ते ये भी तो आखिर चोरी रोटी लई कर रहा ना, ये भी दौलत चंद है, ते जेड़ा सुनार है वह भी दौलत चंद है, बजाज भी दौलत चंद है, कि है तो सारे दे मकसद एक है। पर केड़ी अजीब गल है
जे भरा चोर फड़िया जाए, क्योंकि हालांकि वह अपने घर के सामने प्लेट कदी नहीं लगाता कि यह चोर का घर है, क्योंकि उन्हें पता है पाप समाज नूं परवान नहीं। मैं इत्थे रह नहीं सकांगा इस मोहल्ले विच जे किसी नूं पता लग गया भी यह चोर का घर है, नहीं लगाता। हालांकि काम उनका दूजे नालों औखा है, काम औखा है। जे फड़िया भी जावे तो अदालत में यह नहीं कह सकता मैं भी किरत की थी, मैंने भी रोटी की लोड़ सी, मैं दूजे नालों सौखी तो नहीं कमाई की, दूजे नालों औखी की, कदे कह सकता। पर केड़ी अजीब गल है, जो फड़िया जाता है उन्हें सज़ा मिलती है, उस सुनार नूं सज़ा नहीं मिलती भावें जिन्ना मर्जी धोखा कर ले। बजाज नूं सज़ा, चोर नूं सज़ा मिलती, गुरु ने भी बाणी विच कह दिता है, चोर की हम भरे न कोई, चोर की हम भरे न कोई, चोर किया चंगा क्यों होए, चोरी गुनाह है, पाप है। पर जिथे मैं आना चाहना, जेड़ा मोड़ आज समझना है, वो ये है कि चोर ने अपनी किरत लई रात क्यों चुनी। लो इत्थे रुकने चाहना, सुनार ने रात नहीं चुनी, वो शाम पै गई पहला लाइटां जगा लैंदा है। बजाज ने रात नहीं चुनी, वो दिन दे चानने विच बैठा है। पर चोर ने अपने काम लई रात क्यों चुनी है, और रात भी वह जिन्हों अंधेरी रात आखते, जिन्नी अंधेरी रात होगी उन्ना चोर खुश होएगा भी मैनू भला क्यों। कारण है उन्हें पाप करना है, तो पाप पड़दा चाहिदा है, चाहता है। लो इत गुनाह करने वाला, पाप करने वाला हर मनुख जेड़ा है वह पड़दा चाहता है, इसलिए चाहता है कि मैं पाप करा पर मैनू कोई पापी ना आखे, मैनू वेख ना ले, पढ़दा रह जाए, किसी नूं पता ना लगे रात दे अंधा, क्योंकि अंधेरा भी एक पड़दा है, अंधेरा भी एक पड़दा है। ते उन समझिया भी सब तो चंगी गल है भी मैं इस पड़दे रात दे अंधेरे विच अपनी किरत करा, ताकि मैं चोरी करा पर मैनू कोई चोर ना आखे, मैं पाप है पाप, क्योंकि बाणी ने भी पाप लिया। पर कहिंदा है भी पाप करा पर मैनू कोई पापी ना आखे, पढ़दे चरा किसे नू पता ना लगे, कोई मैनू वेखे ना। लो इस गल का जवाब बाणी विच, अज असी इस नू मोड़ ते पहुंचना। वो कहिंदा मैनू कोई वेखे ना, ते जे भला उहनू पता लग जाए भी रब हर थां ते है, जे उन्हें पता लग जाए भी भला दुनिया के लोग तो मैनू नहीं वेखणगे, मैनू रब ते वेखदा है। गुरु ने बाणी विच भी एक लफज कहे ने, कहंदे ने मन सां दी बाणो कोई नस भज निकले, भला मनुखां दी निगाह तो तू तो रात दे अंधेरे विच बच जाएगा, पर्दा कर लेगा, क्योंकि मनुख तेनू रात दे अंधेरे विच नहीं देख सकेगा, पर रब भी नहीं देखेगा। कहन लगे मानसा दी बाणो कोई नस भज निकले, हर दी बाणो कोई किथे जाया, किथे जाएगा, तू भरपूर जानिया मैं दूर,
चोर रात दे अंधेरे विच चोरी इसलिए करता है कि मैनू कोई देखे ना, ते निरा ए नहीं वो ए भी समझता है कि रब भी मैनू नहीं देखता। ते गुरु कहते ने जे तेनू इन्ना ही पता लग जाए, विश्वास आ जाए भी निरंकार मेरे तो दूर नहीं, आहुने तो काई सी नेड़ा है दूर ना जानो, नेड़ा है दूर ना जानो, नित सारे संभाले जेड़ा पल पल ते तेरी संभाल करता है, तेनू प्रतिपालना करता है। लो साढ़े बच्चों नू भी, अज बच्ची का जन्मदिन है, बच्चों नू भी ये गल विश्वास कराने वाली है कि तुहानू कोई पालन वाला तुहाडे नाल है। वो पल वक्त नहीं होना, तो विश्वास करो एहो ही भरम है कि जेड़ा मनुख रब नू भी नाल नहीं समझदा। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा, जानीएड़ा हर जानीएड़ा, नैन अलोया जानीएड़ा। अगे जाके कहने नैन अलोया घट घट सोया, अत अमृत प्रयागूड़ा नाल होवंता। मेरे नाल है हर वक्त नाल है, जेड़ा मनुख जेड़ा बशर जेड़ा बच्चा इस गल ते विश्वास कर लेगा ना कि रब बिल्कुल मेरे नाल है, ते कदी भी नहीं विछड़दा, कदी गुनाह नहीं करेगा, ओनू होर कोई उचेरी सिक्ख्या देने की लोड़ ही नहीं पेगी। कोई गल विश्वास कर ले कि रब मेरे नाल है, वो कदी नहीं विछड़दा। ते गुरु ने यह गल बाणी विच आखी, कहिंदे नाल हो बंदा लै ना सिकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा। सब तो वड्डी कमी ये है कि मनुख नाल दे कोल हर पल कोल बैठे, स्वासां दे कोल कोल बैठे नू भी संभाल नहीं रहा, उनू जान नहीं रहा। दुनिया अंदर पाप ऐसली खत्म नहीं होया, ये नहीं कि संसार नू पता ही नहीं लगा कि पाप की है पुन की है। बड़ी किताबा चलती आज जिन्हें कानून बनते हैं, जिन्हें कानून दिया किताबा लैके वकील ते जज बैठे ने अदालतों विच, उत्थे इहो कुछ तां लिखिया होया आ गुनाह है इहदा, आ एक्ट है, आ इहदी सजा, इहो कुछ तां लिखिया। पर जिन्हें वह किताबा बनाईया है आखिर तो उन्हें बिना जाने हैं ना पाप केड़ा है। ते एनिया अदालतां ते एने वकील हुंदे होया फिर संसार अंदर पाप खत्म हो गया, कानून दियां किताबां छप गईयां, कानून दियां किताबां विच लिखिया गया पाप है, पर मनुख ने पाप छड्डिया नहीं। हुंदा कारण की, क्योंकि मनुख मनुख कोलों तां छुपाई जांदा है, कहिंदा मैनूं कोई वेखे ना, अजे तक उन्हें यह विश्वास नहीं आया कि जिन्हें वेखना है वह तेरे तो वक् होंगे ही नहीं। लफसन नाल हो बंदा लै ना सकंदा, सुआओ ना जाने मूड़ा, कहन लगे माया मद माता होछी बाता, मिलन ना जाई कारण परम तड़ा। एक भरम पै गया कि मैनू कोई नहीं वेखता, जेड़ा भी गुनाह करने वाला है उन्हें यह भरम होंदा कि मैनू कोई नहीं वेखता। जिन्नी देर वो इस भरम विच होएगा कि मैनू कोई नहीं देखता, लूक कमानो सो तुम जानो, लूक करत भाव छुप के लुक के, लूक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हूंते नेरे आ, और नेड़े तो नेड़े है पर तू समझना है भी मैं जिहड़े बेकार कर रहा ये लुक के कर रहा, किसे नू पता ही नहीं।
ਅਤੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂ ਪਰ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੂਕ ਕਰਤ ਵਿਖਾਰ ਵਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਧੜਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਭਰਮ ਧੜਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਸੂਝੇ ਹਰ ਸਾਜਨ ਸਭ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖੜਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਅਨਿਆਏ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮ ਧੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਡਕਾਵੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਡਕਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਹੀ ਨਾ ਕੌਣ। ਯਤਨ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਡਕਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਯਤਨ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਡਕਾਵੇ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਣੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਕਰ ਮੁਕਰ ਪਾਵੇ, ਭੇਖ ਕਰੇ ਨਿਰਬਾਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਖ ਸਾਧਾ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਧਾ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਰਾਤੀ ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਕਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਚੋਰ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰੇ ਉਭੇ ਜੰਤ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਤਨ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਡਕਾਵੇ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਕਰ ਮੁਕਰ ਪਾਵੇ, ਭੇਖ ਕਰੇ ਨਿਰਬਾਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣਤ ਦੂਰ ਤੁਮੈ, ਜਾਣਤ ਦੂਰ ਤੁਮੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਦਿੰਦਾ ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚ ਦੇ ਕੰਡੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵਾ ਸੋਗ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਏ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
नाल होण दा विश्वास आ जाएगा, गुनाह भी खत्म हो जाएंगे। इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चुका, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।